हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लिए। तो फ्रेंड्स, एसबी क्लेरिकल जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, और आज के एग्ज़ाम के अंदर कुछ एक चीज़ें देखने को मिली है, जिसमें कि जो आपका सिक्वेंस है वो चेंज हुआ है। यानी पहले इंग्लिश, फिर रीजनिंग और फिर क्वांट होता था आपका। अब वो चेंज हो गया, पहले आपकी रीजनिंग हो रही है, उसके बाद क्वांट हो रहा है, और उसके बाद इंग्लिश आ रहा है। यानी लास्ट के अंदर इंग्लिश देखने को मिल रहा है। अब इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को। क्या फायदा मिलेगा? इसका फायदा ये होगा कि जो कैंडिडेट पहले ये सोचते कि मैथ्स और रीजनिंग पता नहीं कैसा आएगा, उसमें अपने कितने अटेम्प्ट होंगे 70 में से, तो अपने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट वो इंग्लिश में करने की कोशिश करते थे। अब अगर इंग्लिश में उनका जितने क्वेश्चन उन्होंने सही बनाए, जैसे 15 क्वेश्चन उन्होंने सही बनाए हैं, तो उनकी कोशिश ये रहती थी कि 5-7 क्वेश्चन ऐसे कर लिए जाएं जिनमें कहीं ना कहीं 70-30 का रेशियो उनको लग रहा है या 50-50 का रेशियो, तो भी वो कर जाते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैथ्स और रीजनिंग के अंदर अच्छे अटेम्प्ट अगर आपके हो जाते हैं, मान लो अगर 70 में से आपके 68 या 69 अटेम्प्ट गेन की हो जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग के अंदर पहले से ही, तो आप इंग्लिश के अंदर जो है वो अपने 10 अगर आपके सही हो रहे थे, आप 10 ही अटेम्प्ट करोगे। तो ये चीज का फायदा इस साल मिलने वाला है, ताकि जो नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का होगा एग्जाम का, तो उसमें आप लोगों के ज्यादा मार्क्स ना कटे। अब बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश कहीं कहीं अच्छी नहीं होती है, तो एवरेज इंग्लिश होती है, तो वो सोचते हैं कि अगर यार 10-15 अगर अपने सही हो रहे हैं, तो बाकी 5-7 और ही अपने लगा देते हैं। तो उस हिसाब से ये देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है कि मैथ्स और रीजनिंग आप पहले कर लोगे, तो जितने ज्यादा उसको आप एक्यूरेसी रहती है मैथ और रीजनिंग की, तो अपनी तो जितने क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के अंदर हो जाएंगे, उसका बेनिफिट ये होगा कि इंग्लिश के अंदर आप सिर्फ वही क्वेश्चन करोगे जो आप लोगों को आते हैं। अब अगर 68 अटेम्प्ट यहाँ से हो रहे हैं, तो अगर 15 ही क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आपका 80+ जा रहा है, तो आपका हर स्टेट से कहीं कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज का फायदा आप लोगों को मिलने वाला है इस साल। तो आगे आने वाले शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम है, तो वो इस चीज को जरूर देखें यार, और ध्यान से रखें कि मैथ्स और रीजनिंग में जितने अटेम्प्ट आपके पहले हो रहे हैं एक्यूरेसी के साथ, तो इंग्लिश में भी ये रखो कि यार एक्यूरेसी के साथ ही अटेम्प्ट करो, ताकि एक्यूरेसी के साथ अगर इंग्लिश करोगे तो आपको बोनस मार्क्स भी मिलेंगे। तो ये वाली चीज आप लोग ध्यान रखना। बाकी जिनका एग्जाम हो चुका है, कैसा एग्जाम आपका गया, वो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि आने वाले टाइम में जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको इनके पता लगे कि एग्जाम का लेवल क्या चल रहा है, क्वेश्चंस वगैरह क्या आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।